व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटा सा कैफे ब्लॉग, जिसमें आप सीखेंगे हम घर में कैसे बना सकते हैं हॉट लाटे, आइस लाटे एंड कोल्ड कॉफ़ी। साथ में शेयर कर रही हूँ एन इंस्टेंट गार्लिक ब्रेड रेसिपी। तो शुरुआत हम गार्लिक ब्रेड की प्रेपरेशन से करेंगे। यहाँ पर मैंने अराउंड 100 ग्राम बटर लिया है, और ये अनसॉल्टेड बटर है, बट आप सॉल्टेड वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 2 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक, लहसुन आपको डालना है फाइनली चॉप करके, बारीक काट के मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स, ये भी लगभग 2 चम्मच के आसपास है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था 1 टीस्पून ऑरिगैनो मिक्स। फिर हम डालेंगे सॉल्ट, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेंगे। अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आप सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर भी ऐड करा है। डालने के बाद इन चीज़ों को आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है, और इसे थोड़ी देर मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें इसमें रेडी कर रहे हैं तो वो साथ साथ में चलेंगी। तो ये वाला हमारा जो बटर मिक्स है वो रेडी हो चुका है, अभी हम इसे साइड में कर देते हैं। तो हम पहले कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं, क्योंकि इसे बना के हम पहले रख सकते हैं, क्योंकि जो हॉट लाटे हैं एंड गार्लिक ब्रेड है वो दोनों हमें गर्म चाहिए, तो वो दोनों लास्ट में बनेंगी। तो कोल्ड कॉफ़ी हम पहले बना लेते हैं, इसे थोड़ी देर हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी चीनी ऐड करी है उतनी ही हमने कॉफ़ी इसमें ऐड करनी है। तो कोल्ड कॉफ़ी के लिए जितनी चीनी आप डाल रहे हैं, कॉफ़ी भी आपको उतनी ऐड करनी है। जैसे कि मैंने 2 चम्मच चीनी ऐड करी है, तो 2 चम्मच ही कॉफ़ी इसमें जाएगी, और जो पानी है वो 4 चम्मच हमने इसमें ऐड करने हैं। पानी हल्का गर्म होना चाहिए, ताकि जब हम इसे शेक करें तो वो चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए। तो जिस भी शेकर में आप इसको बना रहे हैं, उसका ढक्कन आपको बंद करके अच्छे से इसे शेक करना है, और इसमें ना एक अच्छा सा फ्रॉथ बन जाना चाहिए। जब आप शेक करेंगे कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे आइस, क्योंकि हमने कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, और हमने पहले गर्म पानी डाल के इसे शेक किया था ताकि चीनी घुल जाए। तो अभी हमें बॉटल भी अच्छे से ठंडी करनी है, तो बर्फ़ डालने के बाद भी आप इसे थोड़ा सा शेक कर लेंगे। अभी जो हमारी कॉफ़ी है उसमें अच्छे से फ्रॉथ बन गया है, और जो बॉटल है वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे दूध, और आप देख सकते हैं लेयर्स, कितनी अच्छे से लेयर्स बनी है इसमें, और ऊपर अच्छे से, जैसे कि कोल्ड कॉफ़ी में अच्छे से फ्रॉथ होता है, वैसे बन गया है। और उसे ढक्कन लगा के थोड़ी देर हम फ्रिज में रख देंगे। और अभी हम रेडी करेंगे हमारी ब्रेड। तो गार्लिक ब्रेड जो मिक्स हमने बनाया है वो हम ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हो, और इसे हमने एक साइड ही लगाना है, पूरा अच्छे से आपको स्प्रेड करना है। तो जब तक हमारी कोल्ड कॉफ़ी फ्रिज में है, हम बाकी की चीज़ें रेडी कर लेंगे। मैंने कोल्ड कॉफ़ी में वनीला आइसक्रीम नहीं डाली, क्योंकि वो सिर्फ एक कॉफ़ी हमने रेडी करी है। बट अगर आप कॉफ़ी शेक बनाना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ें जो हमने बॉटल में ऐड करी हैं वो आप एक ब्लेंडर में ऐड कर लें, और उसमें आप 1-2 स्कूप वनीला आइसक्रीम ऐड कर दें, और फिर उसे ब्लेंड कर लेना है। आपका कोल्ड कॉफ़ी शेक रेडी हो जाएगा। तो अभी आप कोई भी नॉन स्टिक पैन ले लें, जिस थोड़ा सा गर्म कर लें उसे, उसके बाद आप ब्रेड इसमें रख दें। जो बटर वाली साइड है वो आप पहले नीचे रखेंगे, और दूसरी साइड आपको बटर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं, और जब ब्रेड बटर वाली साइड पकेगी तो ऑलरेडी वो बटर थोड़ा सा मेल्ट हो गई, नीचे भी लगेगा, तो जब हम साइड चेंज करेंगे तो ब्रेड उसी में अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। तो आपको अलग से बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है दोनों साइड, बट अगर आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो इसे अच्छे से ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। तो इसे दोनों साइड से ब्राउन होने तक हमने रोस्ट करना है अच्छे से। और ये वाली क्लिप मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ, बट अगर आप वाकई में ये वाली वीडियो देख के बना रहे हैं, तो आप साथ साथ में ही कॉफ़ी भी बनाएंगे, ताकि गार्लिक ब्रेड जो है आपकी ठंडी ना हो जब तक आप इसे सर्व करें।
मैं आपको अलग अलग वीडियो दिखा रही हूँ, बट कॉफी आपको साथ में ही रेडी करनी है, जो अभी क्लिप आप देखेंगे। गार्लिक ब्रेड डन है, अभी हम रेडी करेंगे एस्प्रेसो, हॉट लाटे। और पानी मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया है। उसके बाद जब बॉयल आ जाए पानी में, आप ऐड करेंगे कॉफ़ी सेम क्वांटिटी में, और जैसे ही कॉफ़ी ऐड करोगे आप देखोगे क्रीमीनेस उसमें आ गई है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है शुगर। तीनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में लेनी है, 1/4 कप वाटर, 1/4 कप कॉफ़ी, 1/4 कप शुगर। जो कॉफ़ी है वो इंस्टेंट कॉफ़ी मैंने ली है। और पानी एक बार बॉयल करना है, उसके बाद कॉफ़ी ऐड करनी है, और फिर आपने इसमें ऐड करनी है शुगर, और इसे अच्छे से स्टर करना है। और शुगर ऐड करने के बाद 30 to 40 सेकेंड लो फ्लेम पे इसे आपने रखे रखना है। जो डिकॉक्शन है वो अच्छे से रेडी होगा तो ही हमारी कॉफ़ी अच्छे से बनेगी। और दूसरी साइड दूध भी गर्म हो रहा है। अभी रेडी करते हैं हॉट लाटे। इसमें सब चीज़ें गर्म होनी चाहिए अच्छे से, अदरवाइज जब तक आप कॉफ़ी सर्व करेंगे वो ठंडी हो जाएगी। इवन आपका कप भी गर्म होना चाहिए। तो इसमें मैंने 2 पार्ट पहले डाला है एस्प्रेसो। कप को आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट इसमें जाएगा एस्प्रेसो, 1 पार्ट जाएगा मिल्क, एंड 1 पार्ट जो हमने ऊपर जगह छोड़ी है उसमें जाएगा मिल्क फ्रोथ, मिल्क फॉर्म जो आपको इसमें ऐड कर रहे हैं। तो मिल्क फॉर्म जो है वो बहुत ईजी है बनाना। दूध अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद बिस्कर ले लें, कोई भी चीज़ है आपके साथ पास जिससे आप इसे अच्छे से बीट कर सकें। इलेक्ट्रिक बीटर है तो और अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके का अगर आपके पास विस्कर है उससे बहुत इजीली हो जाता है। 30 to 40 सेकंड के अंदर अंदर जो मिल्क फॉर्म है अच्छे से बन जाती है, बट सब चीज़ें गर्म होनी चाहिए जैसे कि मैंने बोला, अदरवाइज जब तक आप इसे सर्व करोगे ठंडी हो जाएगी। तो उसके बाद जो 1 पार्ट हमने ऊपर खाली जगह छोड़ी थी कप में, आप उसमें ऐड कर देंगे मिल्क फ्रोथ, और आपका जो हॉट लाटे है इज रेडी। अगर आप कप गर्म करना चाहते हैं तो आप उसे माइक्रोवेव में रख दें 30 सेकंड के लिए, अदरवाइज आप गर्म पानी डाल के भी उसे गर्म कर सकते हैं। अभी हम आइस लैटे बनाएंगे, तो उसके लिए आप कोई भी कप ले लें। उसमें सबसे पहले आपको ऐड करनी है आइस। आइस आप ऊपर तक भर सकते हैं, पर मैंने बहुत कम इसमें डाली है। उसके बाद इसमें सेम सेम रेसिपी है, 2 इसमें शॉट्स जाएंगे एस्प्रेसो के, ऊपर से आपने ऐड कर देना है मिल्क। फॉर स्टारबक्स ड्रिंक आप सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। आप एक शेकर लें, उसमें आपको ब्राउन शुगर सिर्फ ऐड करना है, फिर आपको आइस डालनी है पूरी ऊपर तक अच्छे से भर के, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऐड करना है, फिर 2 शॉट्स आपको एस्प्रेसो ऐड करना है, एंड देन ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल के उसे शेक कर लें। आपका स्टारबक्स कॉफ़ी ड्रिंक रेडी है। तो हमारा जो कैफ़े है वो लग चुका है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है अभी तक तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप भी बनाएं और ट्राई करें।